कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों को नगर निगम द्वारा कानपुर में प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना फाइटर्स की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए थानों में कार्यरत जवानों, अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मौसमी फलों का वितरण किया गया, जिसके क्रम में आज कुल 1000 किलो संतरा, 980 किलो केला एवं 700 किलो खीरा का वितरण किया गया। कोविड-19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत हुए लॉकडाउन में आवारा पशुओं को लगातार भोजन दिया जा रहा है, जिसके क्रम में आज नगर निगम की टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1420 बेसहारा पशुओं को डॉग फूड दिया गया। पात्र लोगों को निःशुल्क राशन दिलाए जाने हेतु राशन कार्ड बनाने की सुविधा देने के लिए सभी जन सुविधा केंद्रों को शाम 6 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना राशन कार्ड बनवा लें ताकि आपको निःशुल्क राशन प्राप्त हो सके। जो लोग पात्र हैं और अभी तक उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं बना है, इस दौरान उन्हें मुफ्त राशन देने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना रही है, उसके तहत राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप जन सुविधा केंद्रों इत्यादि पर जाकर के अपना राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। जन सुविधा केंद्र सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। कानपुर के चकेरी थाना इलाके में स्थित रामादेवी सब्जी मंडी में शासन द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश पर जिला प्रशासन पानी फेर रहा है। हकीकत यह है कि अब सोशल डिस्टेंस को रात के अंधेरे में छिपाया जा रहा है। यहां रात में लगता है मेला, दिन में लॉकडाउन की नौटंकी।